वो जरूरी है। क्वेश्चन 44, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ लिखा हुआ है द डायग्राम शोज द लाइन राइट एक्स, सबसे पहली लाइन कौन सी है बेटा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। सेकेंड लाइन इज वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू ऑफ एक्स। थर्ड लाइन इज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड फोर्थ लाइन इज वाई इज इक्वल टू जीरो। बेटा व्हाट कीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो किसकी इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस राइट। इसी तरीके से ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस किसकी इक्वेशन होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? सही, ये दो तो आपको पता चल गई है। ये किसकी इक्वेशन है? एक्स एक्सिस की। ये वाली इक्वेशन किसकी है? वाई एक्सिस की। अब बच कौन रहा है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। देखो अगर कभी वीडियो जाकर देखो तो उसके अंदर मौजूद है कि ऐसी लाइन जो कि वाई एक्स एक्सिस के ऊपर भी एट से इंटरसेक्ट करती है और वाई एक्सिस के ऊपर भी एट से इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन क्या कहलाती है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। क्या कहलाती है बेटा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। क्या कहलाएगी? एक्स प्लस वाई, हाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। यहां पर तुम्हें कोई नजर आ रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट? सही है, अभी तो कुछ नहीं नजर आ रहा होगा राइट। अभी तरह देखें आगे, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? द रीजन बिटवीन द लाइंस। रीजन कहां पे लाई कर रहा है? इधर देखो, द रीजन बिटवीन द लाइंस आर लेबल विद लेटर्स। बात समझ में आई? द रीजन बिटवीन, द रीजन बिटवीन द लाइन्स आर लेबल विद लेटर्स। रीजन को जो है वो लेबल किया गया है किससे? लेटर्स से, यानी कि ए ई बी एफ सी डी जी एच आई एंड जे। सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन है वो ये क्या लिखा हुआ है कि बेटा राइट डाउन द लेबल। अब हमें राइट डाउन द लेबल, अब हमें लेबल चाहिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, क्या है? सही है, राइट डाउन द लेबल ऑफ द रीजन विच इज डिफाइंड बाय द थ्री इनइक्वालिटीज। इसका मतलब क्या है? अब आपको खुद से शेड करना है, अब आपको खुद से शेड करके ये बताना है कि क्या होता है। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक चीज ये बताई थी, अगर पता नहीं आप लोग पढ़ते नहीं हो घर के अंदर तो जाहिर सी बात है कहां से ये चीजें होंगी। मैंने आपको बताया था कि अगर भाई वाई इज शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में अगर जो है वो y इज ग्रेटर देन एम एक्स प्लस सी है तो शेड क्या होता है? y इज लेस देन एम एक्स प्लस सी तो शेड क्या होता है? x इज ग्रेटर देन a तो शेड कहाँ होता है? x इज लेस देन a तो शेड कहाँ होता है? ये सब चीजें अगर आप गौर करें तो आपको ये सब चीजें लिखवाई थी। y इज ग्रेटर देन एम एक्स प्लस सी पे शेड कहाँ पर होगा? अबव। सही है, जब लेस देन होता है तो कहाँ पर होता है? ब्लो। सही है, एक्स इज ग्रेटर देन ए तो शेड कहां पर होगा? राइट। और एक्स इज लेस देन ए तो शेड कहां पर होगा? लेफ्ट। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? सही है, अब आप आगे देखें, द डायग्राम शोज द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट। सही है, अब्दुल्ला इधर देखो, मुस्तफा इधर छोड़ दो उसको। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन। सबसे पहला जो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई इज लेस देन एट, y is less than 1 upon 2x, y is greater than 0। अभी less than को छोड़ दो, अभी सिर्फ ये वाली बात करो। पहली इक्वेशन क्या है बेटा? पहली इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है x plus y is equal to 8। कौन सी लाइन है x plus y is equal to 8? ये लाइन, ये 8 और ये 8, ये वाली लाइन क्या है? x plus y is equal to 8। कौन सी लाइन है ये? x plus y is equal to 8। सही है, फिर उसके बाद क्या लिखी हुई है बेटा? y is equal to 1 upon 2 of x। अब बताओ y is equal to 1 upon 2 of x की लाइन कौन सी होगी? सही है, देखो वो लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ये वाली लाइन क्या है? y is equal to 1 upon 2 x। क्यों? क्योंकि इसमें c क्या है? जीरो है। सही है, फिर उसके बाद क्या है? y is equal to 0। y is equal to 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस y, ये कौन सी इक्वेशन है? y is equal to 0। अब इधर देखो जी, y is equal to 0, y is equal to 0, यहां पे क्या लिखा हुआ है? y is equal to 0, y is equal to 0 कौन सी एक्सिस कहलाती है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का। देखो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है? x plus y is less than 8। क्या लिखा हुआ है? x plus y is less than 8। जब less than 8 है तो शेड कहां पर होगा? बिलो। देखो तो देखो जरा शेड कैसे हो रहा है, ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है राइट। नहीं सुनना, अभी सुन तो लो। सही है, x plus y is that।
सही है, x प्लस वाई इज लेस देन, इधर देखो लेस देन में शेड कहां है, बिलो है, सही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, y इज लेस देन 1 अपॉन 2 ऑफ x, ठीक है, कौन सी लाइन है y इज लेस देन, ये वाली लाइन है, सही है। जब लेस देन होता है तो शेड कहां पर होता है, नीचे, कहां होता है नीचे, मुस्तफा कहां होता है, बिलो, कहां होता है शेड, नीचे, पता नहीं यार, कुछ नहीं बोल रहा मैं, तुम चुप होके बैठोगे बस, सही है। y इज लेस देन 1 अपॉन 2 ऑफ x, सही है, ठीक है बेटा, y is less than 1 upon 2 of x। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, y is greater than 0, y is greater than 0, इधर देखो, जब y is greater than mx plus c है तो शेड कहां पर होता है, above, तो अब क्या होगा, y is greater than x, तो अब इसका मतलब है कि शेड कहां पर होगा, above। कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर बेटा तीनों रीजन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा रीजन है वो, जी, तो बेटा इसका मतलब है कि पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आप रीजन क्या लिखेंगे, जी, लेबल क्या करेंगे, जी, बस बात समझ में आई। बेसिकली यहां पर आपको यही चीज बतानी थी कि कौन सा रीजन है जहां पर तीनों रीजन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा सबसे पहला काम ही यही है, x plus y is equal to 8, इस x plus y is equal to 8 को पहचाना, फिर उसके बाद less than लिखा हुआ है तो shade कहां पर किया, less than, ठीक है, फिर उसके बाद y is less than 1 upon 2x, तो shade कहां पर हुआ, above, right, फिर इसी तरीके से y is greater than 0, इस तरह से किया, तो ये पूरी चीज है, ठीक है, सही है, पहला पार्ट आपका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट डाउन ऑल other inequalities which define region E, write down all the inequalities define the region E, अब देखें यहां पर E आपके पास कौन सा region है, E ये वाला region है, E क्या है, ये वाला है, इसमें कह रहा है इसमें कौन कौन सी inequalities लग रही है वो हमें define करना है, बेटा सबसे पहले आप ये देखें, अगर मेरा region E ये है, अब जरा सुनिएगा, सही है, अब जरा सुनिएगा, कौन कौन से, कौन कौन सी लाई कर रही है, अब जरा देखिएगा, जी सर, तीन, सही है, तीन लाई कर रही है, कौन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, सेकंड इक्वेशन ये वाली है, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, बात समझ में आ गई, रीजन के ऊपर कौन सी लाई कर रही है, तीन, पहली लाइन कौन सी है, x plus y is equal to 8, फिर y से देखो, अब इधर देखो, पहली लाइन कौन सी हो गई, x plus y is equal to 8, y axis का मतलब क्या हो गया, x is equal to 0, और थर्ड आपके पास कौन सी है, y is equal to, y is equal to 1 upon 2 of x, x plus y is equal to 8, सही है, x plus y is equal to 8, अब बेटा इधर आ जाइए, सही है, मुझे एक बात बताइए, अब सुनिएगा, y x plus y is equal to 8, कौन सी x plus y is equal to 8, इस पे शेड अबव है या बिलो है, अबव है, सही है, तो अबव पे आप क्या यूज करते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बात क्लियर हो गई, राइट, फिर उसके बाद y is equal to 1 upon 2x, y is equal to 1 upon 2x पे शेड अबव है या बिलो है, सही है, क्या है, अबव है, सो ये क्या हो जाएगा, y is greater than and equal to 1 upon 2 of x, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x is equal to 0, x is equal to 0 कौन सी इक्वेशन कहलाती है, y axis, उस पे शेड लेफ्ट है या राइट है, हाँ राइट है, राइट है, तो आप क्या लिखेंगे, x is greater than and equal to 0, तो ये आपके पास यहाँ पे लिख दिया, हाँ सही है बेटा, यहां तक क्लियर है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है या नहीं है, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करें, फिर उसके बाद में नमाज का गैप आप लोगों को गैप दूंगा, सही है, पहले इसको कॉपी करो, वो ना होने दो बेटा, आपको जो बोला है ना वो करो, हमारी एल थ्री, ठीक है बेटा, तो फर्स्ट लाइन हमारी ये वाली हो गई जो शेडेड रीजन में आ रही है, सेकंड लाइन कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस, थर्ड लाइन कौन सी हो गई बेटा, एल थ्री हो गई, अगर आप गौर करें तो आपको सारी इक्वेशंस पता हैं, ठीक है, सबसे पहले एल वन की इक्वेशन कौन सी है, जी बेटा एल वन किस लाइन से, एक्सिस कौन से, एक्स एक्सिस से पास हो रही है, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4, L2 आपके पास कहां से गुजर रही है, जी बेटा L2 क्या है, गलत, L2 क्या है, L2 है x एक्सिस है, x एक्सिस और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है,
बिल्कुल y इज इक्वल टू जीरो राइट। अब L3 पे जब हम बात करेंगे तो L3 में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट और ये हमने सेकंड ले लिया, सही है। L3 पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 4, 2 और 0, 0, सही है। तो हमें इक्वेशन निकालनी है, तो बेटा सबसे पहले वी विल फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इट विल बी इक्वल टू 1/2। एनी क्वेश्चन? क्योंकि 0 - 2 क्या बचेगा, 0 - 2 क्या बचेगा -2 और 0 - 4 क्या बचेगा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल होगा, व्हाट इज द आंसर, 1/2। सो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x। बेटा इस लाइन का सी क्या है, इस लाइन का सी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो बेटा मेरी थर्ड लाइन क्या बन गई, ये बन गई। पहली लाइन क्या बनी बेटा, y is equal to x is equal to 4। थर्ड सेकंड लाइन क्या बनी, y is equal to 0। थर्ड लाइन क्या बनी, y is equal to 1/2 of x। बेटा आओ जरा इसके ऊपर शेडेड रीजन लगा, अब इसके ऊपर इनइक्वालिटीज लगानी है। सबसे पहले देखें x is equal to 4, x is equal to 4 के ऊपर शेड, शेड जो है वो लेफ्ट है या राइट है, सही है, लेफ्ट है। जब शेड आपका लेफ्ट है तो बेटा ये यहां पर क्या बनेगा, एक्स इज लेसर देन 4, लेसर देन एंड इक्वल टू 4, राइट। फिर उसके बाद वाई इज L2, वाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर शेड अबव है या बिलो है, सही है, अबव है, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, y इज लेस देन, अब तीसरी लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 3, इस पर शेड अबव है या बिलो है, ठीक है, क्या है, बिलो है, तो जब भी बिलो है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, लेसर देन एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ x, राइट। एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है जी बेटा, फाइंड, जी बेटा फाइंड ऑल द थ्री इनइक्वालिटीज, फाइंड द थ्री इनइक्वालिटीज व्हिच डिफाइन द रीजन शेडेड इन द डायग्राम। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका शेडेड रीजन क्या है, मेरा शेडेड रीजन ये है जो मैंने अभी किया हुआ है, ये दिया हुआ है, मैंने बस ऐसे शेड कर दिया इस लाइन पर, लुक एट द बोर्ड प्लीज, एवरीवन लुक एट द बोर्ड, सही है। फर्स्ट लाइन नाउ वी कैन से दैट इट इज L1, राइट। सेकेंड लाइन इज L2, थर्ड लाइन इज L3। क्या मेरे पास तीनों लाइनों की इक्वेशन है या नहीं है, सिर्फ लाइंस मुझे नजर आ रही है, इक्वेशन निकालनी है। आ जाओ बेटा इधर देखो, लुक एट द बोर्ड, हेलो, ठीक है। L3 क्या मतलब है, L3 का मतलब होता है x एक्सिस, और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, एनी क्वेश्चन, सही है। अब अगर मैं L1 की बात करूं तो बेटा L1, मुझे एक बात बताइए, L1 की इक्वेशन मौजूद नहीं है, क्या मैं L1 के पॉइंट्स निकाल सकता हूं। L1 के दो बेस्ट पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं, पहला बेस्ट पॉइंट क्या है 2, 2 और दूसरा पॉइंट क्या है 0, 0। तो बेटा L1 के आपके पास क्या हो जाएगा 2, 2 और 0, 0। फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, y2 - y1 upon x2 - x1, 0 - 2, 0 - 2 इज इक्वल टू 1, राइट। Use y is equal to mx plus c, right? Y is equal to x. बेटा क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका c क्या होगा, c क्या होगा 0, ठीक है। तो बेटा what is the equation of this line? इस लाइन की equation क्या हो गई बेटा, y is equal to x, ठीक है। इस लाइन की equation क्या हो गई बेटा, y is equal to 0, any question, right? उसके बाद चलें L2 के ऊपर, L2 कितने बेस्ट पॉइंट से गुजर रही है, पहला बेस्ट पॉइंट ये हो सकता है, दूसरा बेस्ट पॉइंट ये हो सकता है, तीसरा बेस्ट पॉइंट ये हो सकता है, चौथा बेस्ट पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है। तो आप गौर से देखें, ग्रिड के ऊपर देखें जरा, ग्रिड के ऊपर, राइट। तो बेटा कितने पॉइंट से गुजर रही है, आप कोई सा भी ले लें, मैं ये वाला ले लेता हूं, एक ले लेता हूं 3, 0 और दूसरा क्या ले लूं 0, 6, ठीक है। तो बेटा L3 की इक्वेशन चाहिए, L3 क्या आ जाएगा 3, 0, क्या आ जाएगा बेटा 3, 0 और 0, 6, ठीक है बेटा। अब पहले क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट, y2 - y1 upon x2 - x1, 6/3, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू 2x प्लस c। बेटा मुझे एक बात ये बताओ कि ये c निकालना है,
अब सी निकालने के लिए आप कोई सभी पॉइंट यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, वाई की जगह पे 6 रखा, एक्स की जगह पे 0 रखा, सो व्हाट इज द आंसर, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस x। सही, क्या आएगा बेटा, वाई इज इक्वल टू 12। अब आइए बेटा इनइक्वालिटीज लगानी है, सही है, इनइक्वालिटीज लगानी है, ठीक है। इनइक्वालिटीज लगाने के लिए अब आप ये देखें, इधर आइए बेटा, यहां देखें वाई एक्सिस, सबसे पहले बात मैं करूंगा L3, L3 के ऊपर शेड अबव है या बिलो है, यस, एक्स एक्सिस के ऊपर शेड अबव है या बिलो है, अबव है, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा, ठीक है, क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, L1, L1 के ऊपर शेड अबव है या बिलो है, सही है, अबव है या बिलो है, गौर से देखें, अबव है या बिलो है L1 के ऊपर, बिलो, सही है। तो बेटा व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, ठीक है। थर्ड आ जाइए, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 6, इस पर शेड अबव है या बिलो है, जी बेटा बताएं, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2x, बिलो है, सो बिलो का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई मसला है तो मुझे बता दें, ठीक है जी बेटा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, ये आ गया राइट। तो बेटा इन चीजों पे जरा सा गौर किया करें कि क्वेश्चन क्या है, तो पहला आंसर मेरा क्या निकला, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड आंसर इज y इज लेस देन इक्वल टू x, थर्ड आंसर इज वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 2x प्लस 6। एनी क्वेश्चन बेटा, किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दें राइट, मैं अभी क्लियर कर दूं, सही है।